जैसे रीमेक मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई कंपेयर करे ओल्ड एंड न्यू, वो ओल्ड को भी एंजॉय करे न्यू को भी एंजॉय करे, दैट शुड बी द अप्रोच यू नो। या ये समझ में नहीं आता कि आपके पास म्यूजिक लाइब्रेरी है, म्यूजिक एप्स हैं, आपके पास दोनों गाने अवेलेबल है, चॉइस भी आपकी है, तो आपको हम जबरदस्ती बैठ के नहीं सुना रहे कि भाई तू अब यही सुनेगा, दूसरा गाना ब्लॉक्ड है, नहीं ना। सो गुड गर्ल, हैव यू एवर बीन नॉटी एंड बैड गर्ल? ऑल द टाइम सती सावित्री बन के रहे, तो एवरी गर्ल हैज देयर ओन नॉटीपना, लेकिन मैं सबको नहीं दिखाती। So many congratulations. Thank you. सती बारात एक बार फिर से आ गई and yes. successful. I could see it's trending. Wow. Yes. 5 million. So Zara, let's start ladies first. Yes. You are glowing today. I mean too much. With the happiness, बारात आई है मेरी, मुझे ग्लो रहेगा अभी। तो आप बताइए दूसरा आया मतलब गाना और सुपर हिट, एक होता है कि कोई एक चीज आती है दूसरा उसका पार्ट आता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, प्रेशर होता है एक्टर्स की तरफ, म्यूजिक एवरीथिंग सब पे प्रेशर होता है कि हमको बेटर करना है, बट ये तो आते ही हिट हो गया। जैसे सबकी बारात इसके पहले वाला हम दोनों ने किया था, उसमें इतना ज़्यादा प्यार हमें एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था एक्सपेक्ट, बट इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया, यू नो इट्स 220 million टुडे एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग, यू नो सीइंग दैट वी आर वेरी एक्साइटेड कि लेट्स डू अगेन दिस, एंड इस बार मेरी बारात आएगी, हम दोनों की बारात आएगी, तो फिर वी आर लाइक कि ओके दिस विल बी समथिंग डिफरेंट एंड वी हैव टू कैरी इट नाइसली बिकॉज एक बेंचमार्क अपने पहले वाले में क्रिएट कर लिया है, तो इसमें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। No, actually, we are very happy that कभी सोचा नहीं था कि गाने का भी पार्ट टू होता है, वेरी रेयरली इट हैपेंस, पिक्चरों के होते हैं, वेब शोज़ के होते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा एक अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है वो हमने जो बाराती का गाना किया था, और अभी फ़िलहाल स्टोरी प्रोग्रेस्ड हुई है कि उसमें ऐसे दो इंडिविजुअल्स आके दोस्तों के शादियों में नाचते हैं, वो हो गया था, प्यार में पड़ते हैं, और अभी फ़िलहाल खुद की शादी है, तो यस इज़ वन ऑफ दोज दूल्हा जो है वो अपना खुश भी है अपनी शादी पे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होते हैं और दुल्हन बड़ी नाचती रहती है, तो पार्ट वाज मोर एक्साइटेड, इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड इज ऑलवेज वंडरफुल टू शूट विद हर। सेम हियर, एंड आई थिंक ये जो सबकी बाराते हैं जो टाइटल है वो पहले भी गाना बन चुका है, फिल्म का टाइटल है, देन व्हेन यू आर रिमिक्सिंग समथिंग, आई मीन नॉट रिमिक्सिंग बट यू आर एक्सपेरिमेंटिंग रिक्रिएटिंग समथिंग, ऑफकोर्स होता है क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे सामने आर्टिस्ट को या सिंगर्स को बैकलैश मिलता है कि हाउ कैन यू रूइन द ओरिजिनल सॉन्ग एंड इट वॉज मेंट टू बी लाइक अ क्लासिक वन, यू रूइन द क्लासिक एंड ऑल दैट, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग पार्ट टू डू इट, एंड आई वुड रादर से कि वेन एवर वी डू इट और वेन एवर एनी वन शुड डू इट, दे शुड नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ इट, क्योंकि क्या है ना उससे फिर वो रिलेटेबल ही नहीं लगता। हम हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पर वो उनका फ्लेवर और ओरिजिनलिटी रहे और उसी में कुछ एक नयापन एक बैकग्राउंड के तौर पर एक नया अंदाज से हम उसको प्रेजेंट करें, सो यही कोशिश रहती है, उसको सॉन्ग को ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ जैसे रीमेक मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, बट जैसे कि उन्होंने कहा बैकलैश तो मिलते हैं काफ़ी, बट वो एक उनका प्यार होता है पुराने गाने के लिए जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने उस टाइम में उसको बहुत प्यार से बनाया और बहुत अच्छे से आर्टिस्टों ने किया, ये भी हमारे लिए एकदम ही नया प्रोजेक्ट होता है कि हम भी उसको इतना ही अच्छे से करें, और मतलब मैं नहीं चाहती कि कोई कंपेयर करे ओल्ड एंड न्यू, वो ओल्ड को भी एंजॉय करे न्यू को भी एंजॉय करे, दैट शुड बी द अप्रोच यू नो। या बीच में बड़ा ट्रेंड चला था कि जो रिमिक्स होते थे या रिक्रिएट होते थे तो बड़े बैकलैश, जैसे आपने मेंशन किए कि बड़े एक तरह से अटैच थे लोग कि कैसे बना दिया। हाँ ये फिलहाल मुझे याद है कि कोई एक गाना था जिसको एक एल्बम का गाना था और जिसको फिल्म में लिया और उसको रीमेक किया और तुम और वही यही सवाल कि कैसे बना दिया, मतलब मुझे लगता था कि पहले तो आपका हक नहीं है पहले तो आपका हक नहीं है कि वो गाना कि आपके आपको नहीं पूछा गया है कि आपके आपसे हम चुरा के गाना बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपके पास म्यूज़िक लाइब्रेरी है, म्यूज़िक एप्स हैं, आपके पास दोनों गाने अवेलेबल है, चॉइस भी आपकी है,
तो आपको हम जबरदस्ती बैठ के नहीं सुना रहे कि भाई तू अब यही सुनेगा, दूसरा गाना ब्लॉक्ड है। नहीं ना, आपकी मर्जी है, आप चूज करो तो आप सुनो, अगर आपको वही पसंद आ रहा है आप सुनो ना, आप उसी को एंजॉय करो, खत्म बात। नेगेटिविटी क्यों फैलाओ कि नहीं ये गाना तुमने कैसे उसी की तरह बनाया और कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, तो वो बहुत ही मुझे बहुत फनी लगता है। सर आपका कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको याद हो कि इस गाने के लिए मुझे बहुत सुनने को मिला था? आई थिंक बहुत नहीं, बट शायद वो एक लेजेंड का गाना था इसलिए लोग नहीं पसंद कर रहे थे, जैसे शायद होटो पे बस पे हमें थोड़ा सा बैकलैश मिला। हाँ, था क्योंकि वो लता मंगेशकर थी एंड लता जी इज लता जी, बट आई स्टिल से कि ऑफ कोर्स आई मीन शी इज स्टिल ब्यूटीफुल, द सॉन्ग इज स्टिल ब्यूटीफुल, दैट्स माय फेवरेट, बट अगेन आवर कॉन्सेप्ट वाज वेरी डिफरेंट। तो लाइक ही सेड कि हम किस, हमारा भी हक नहीं है कि पुराना गाना बनाए एंड ऑल दैट, इट इज़ नॉट मेकर्स कॉल, यू नो। तो इफ़ इट इज़ देयर प्रॉपर्टी, दे वांट टू क्रिएट इट 100 times, दे कैन क्रिएट इट 100 times, एंड इट इज़ आवर चॉइस वेदर वी वांट टू लिसन इट और नो, और इट्स आवर चॉइस और नॉट, दैट्स आवर। बात आप बताइए, मैंने जो गाना देखा, पिक्चराइजेशन देखा, समथिंग डिफरेंट, इस बार आई थिंक आपका लुक वगैरह भी काफी चेंजेस, सो हाउ वाज इट, हाउ वाज द टोटल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ दुल्हा? या टोटली एन्जॉयड इट। और जैसे मेरे दोस्त लोग मुझे पूछते रहते जब पहला वो गाना देखा था कि सबकी तो आगे तेरी कब आएगी। अरे थैंक यू। हाँ नहीं, एक एक्साइटमेंट थी ज़ारा के साथ काम करने के लिए। सो या नहीं, बट ऑन द कॉन्ट्री जब लोगों ने पूछा सबकी कब आएगी, तेरी सबकी तो आ चुकी तेरी कब आएगी, तो ये था उसका जवाब। और काफ़ी फन शूट था एंड ओवरऑल यस, मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना वो हैवी हो के पहन के आप डांस कर सकते हो या नहीं, बहुत दिक्कतें होती हैं, एंड दैट्स वेयर यू अंडरस्टैंड कि लड़कियां जो होती हैं वो कैसे अपने महंगे महंगे और हैवी हैवी लहंगाज लेकर डांस करती है। इट्स अ टास्क फॉर देम टू इवन स्टे इन दैट इन द एंटायर डे। तो Yes. So yeah. So whenever we will be prepared for that job in our actual lives, hopefully that shouldn't come soon. So yeah, let's see. I want to add something. Zara's comment thi. Isme thoda sa real dula. Aapne bola ki bola fresh, sir. Fresh. Fresh lag rahe the. Fresh lag rahe. Fresh dula. Fresh. Fresh dula lag rahe the. Ye tabhi shoot to nahi hua jab Park ke shaadi ki bhi khabar thi. शादी की खबरें थी क्या? वो वाली, हाँ। ओ, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन हुआ तो उसी टाइम में था शायद। तो क्या आपको शादी देखने को मिली? मिली बिल्कुल नहीं ना, मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रही हूँ क्या ये फेस में ग्लो तो नहीं था उसी का? उसका ग्लो थोड़ी हो सकता, अगर वो ग्लो तभी होगा जब वो वाकई में शादी हो रही है, रियल वाला। बट हाँ थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा एकदम एनर्जी दिखी, पर शायद रियल दूल्हा बनेगा तो ऐसे ही लगेगा, है ना, चार्म। मुझे ये सब गाने करने के लिए मेकर्स कंसिडर करते हैं, और हाँ मुझे गालियाँ भी पड़ती है कि आप इतने रिमेक करते हो ये वो, बट एट द सेम टाइम जो लोग बाद में उसको अडॉप्ट करते हैं और रियली यू नो अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिलता है, तब हमें लगता है कि नो वी आर डूइंग द राइट थिंग। एंड करियर इज ऑलवेज ए जर्नी, यू नो आई कांट से कि दिस इज व्हाट इट इज, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव द बेस्ट आई कैन, लेट्स सी हाउ इट गोस। बात आप सीक्वल करें या ओरिजिनल करें, पहला सीजन करें या पता नहीं कौन सा सीजन करें, हमेशा वो फ्रेश रहता है, गाना तो आपके सामने है, मंत्रा टू गिव योर बेस्ट, टू गिव योर 100%। और आप जो भी प्रोजेक्ट लेते हो, एक बार आपने ठान ली, अब चाहे कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आप जो शूट कर रहे हो आपको पता चल जाता है यार ये वैसा नहीं जा रहा जैसा आपने सोचा था, बट इट इज़ एन आर्टिस्ट जॉब टू बी प्रोफेशनल, टू कम्प्लीट विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड गिव 100% ऑनेस्ट टू इट। अगर आप वो कन्विंस नहीं करोगे ना तो ऑडियंस को मज़ा भी नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, वो समझ में आ जाता है ऑडियंस को कि यार ये मज़ा नहीं आया। तो अगर आप उतनी एक्साइटमेंट से उतनी एनर्जी डालकर 100% दिखाकर वहाँ पर आपने अपना काम कर दिया ना, तो बस, तो फॉर्चुनेटली इनफ मेरे लिए एक
ऐसा कभी दौर नहीं आया कि जहाँ पर लोगों ने बोला है कि क्या किया तूने और यू कुड हैव डन बेटर. सो या आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स माय मंत्र, गिव योर बेस्ट. आपको याद है आप Zoom ऑफिस में बहुत साल पहले आए थे, यू डिड अ मूवी. आप ही बताओ क्या चेंजेस आप खुद में मुझ में देखते हो. नहीं आप ही बताओ आप. वैसा ही मैं एक्चुअली मैं बहुत ऐसे बहुत समय होता है जहाँ पर मैं बहुत बार ऐसे बाहर निकलता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं एक इंसान हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ या मैं कोई ये हूँ या लोग मुझे जानते हैं. तो वो एक जो एक ग्राउंडेड वाला नेचर जो मुझ में है वो हमेशा से रहेगा चाहे मैं कहीं भी जाऊँ. तो आई वॉन्ट टू लाइक बी ट्रीटेड एज नॉर्मल, लाइक चिल विद पीपल, सिट विद पीपल, हैव कॉन्वर्सेशंस, गेट टू नो योर स्टोरीज. सो दैट इज़ वॉट एक्साइट्स मी. ऐसा नहीं है कि यार अब इतना हो गया, इतना ही काम था, आधे घंटे का इंटरव्यू, इतना ही मेरा जॉब था, वो सब मैं नहीं देखता. मैं एक बार आ गया, बातें हो गई, वी कनेक्टेड, इट्स एज सिंपल एज डैट. सो मेरा उस दौर पे भी वैसा ही एक नेचर रहा है और अभी भी वैसा ही है. बाकी आपको ज़ारा बताएगी मेरी तारीफों की फूल जो वो बांधेगी, क्योंकि उसके बाद मैं पेमेंट भी देता हूँ मेरी तारीफ करने के लिए. एक भी ट्रीट नहीं मिला मुझे अभी तक. ये बाकी है ट्रीट्स. दो गाने हो गए यार, मतलब दो नहीं बाकी है, तीन हो गए, अभी हम चौथे पे जाएंगे हनीमून. सो या हनीमून सॉन्ग तभी प्लान होगा जब आप लोग इस गाने को प्यार दोगे, पर अदर देन दैट बहुत सारी ट्रीट्स बाकी है तुम्हारी. एंड व्हाट आर द वैलेंटाइन्स प्लान, बिकॉज़ यू नो म्यूजिक इज लाइक कोर, इट्स सोल कोर फॉर वैलेंटाइन्स. वैलेंटाइन्स में ना और गाना बैकग्राउंड में ना बजे तो मजा नहीं आता है. हमने तो वैलेंटाइन से पहले शादी कर ली, मतलब हमने मतलब पहले वो सब कोटा पूरा कर लिया कि हो गया अभी हम डन. या बट अगर किसी को वैलेंटाइन में शादी करना है तो इट्स अ गुड प्लान. It's a good plan, good timing for our song. Our song. Definitely. Zara, tell me one rumor. You heard about Parth. And Parth have to, like, you have to clarify. Okay. Thoda badhiya wala question, please. Badhiya wala. Rumor. Personal. Yeah, of course personal. Achha, of course personal. Kya kabhi kisi aise actress ke saath tumhe मन किया कि तुम डेट करो और हुआ है? हाँ हुआ है और वो डेट खत्म हो गई. शो के साथ या जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे थे या वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बात गई और या इट वाज अ गुड टाइम. एंड या आई मीन हो जाता है, मैन यू व्हेन यू फील दैट ओके व्हाट एवर यू बॉन्डिंग विद द पर्सन. So yeah, हो जाता बस. हाँ. No no no. She's a good girl. So good girl. Have you ever been naughty and bad girl? Of course, why not? I mean, we are in 21st century, you know. And zaruri thodi na all the time sati savitri ban ke rahe. So every girl has their own naughty pana. Lekin main sabko nahi dikhati. Woh honeymoon pe dikhe. Dekho isko. But I have a question for you. Yeah. What was the shaadi wala rumor? Shaadi wala rumor. कुछ नहीं, इट्स एक्चुअली हम बहुत फनी था एंड वी लाफ्ड ओवर इट व्हेन वी सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑब्वियसली वी शेयर्ड दैट इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स फेक. बट या उसके बाद कोई ऐसा आर्टिकल बना, बट आई एम सरप्राइज्ड कि मतलब ऐसे कोई चीज़ की आगे की प्लानिंग हो सकती है, इतना कुछ हो सकता है जहाँ पर अब वो मुझे लगता है उसमें जो डेट आया था दिसंबर जनवरी को लेकर, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर दाढ़ी बढ़ा के अपनी फिल्म की शूट की प्लानिंग कर रहा हूँ तो और हमने शादी कर ली. So yeah, it's, you can see it's just a rumor and nothing. We're good friends and that's it. Yeah. यार ये बड़ा एक मतलब मेरे लिए ना एक टेस्ट ऑफ पेशेंस वाला सवाल हो गया. मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि सब बैक टू बैक ही आएगा. वो एक दौर होता है ना कि जहाँ पर सब चीज़ें आपके लिए अटक जाती है और फिर अचानक फिर सब बैक टू बैक. तो मुझे लगता है मेरे लिए वो दौर आने वाला है कि जहाँ पर मैं अभी तीसरी फिल्म शूट करने जा रहा हूँ और इसी बीच में इसी दरमियान ये दो फिल्में आ जाएगी. तो बस होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये साल एक वो साल हो जहाँ पर मैं टेक ऑफ करूँ.
हाँ हाँ एब्सोल्युटली सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग सबमिट हो गया, हो जा सब कुछ हो गया, अब बस वो एक प्रॉपर रिलीज डेट देखकर प्रमोशंस का प्लान करके वैसा होगा. या या बाप रे रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहाँ से क्रिएट करूँ. नहीं वो जो फिल्म्स कर रहे हैं ऑलरेडी, आई मीन वो कंपनीज बहुत ही ऑब्वियसली रिनाउंड कंपनीज है एंड देर आई एम श्योर देर मेकिंग द बेस्ट ट्रैक्स ऑफकोर्स गुड म्यूजिक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. या आई मीन एज ए इन ए फिल्म फिल्म आई वुड लव टू गो टू द प्रीमियर एंड जस्ट वॉच हिज फिल्म. या आई वुड लव टू नॉट कॉल यू. मजाक कर रहा हूं. फिर बहुत बड़ा डेप्थ हो जाएगा. या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड प्लीज वॉच द सॉन्ग. सबकी बार आते हैं बिकॉज वी आर बैक विद अ बैंग एंड यस मेक योर शादीज एनर्जेटिक एंड एक्साइटिंग एंड लवी लाइक अस व्हाट वी डिड इन द सॉन्ग एंड गिव अस योर लव लाइक लास्ट टाइम. थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू. यस एब्सोल्युटली. थैंक यू. अंटिल नेक्स्ट टाइम. चाओ.